नमस्कार दोस्तों, आज है संडे। संडे मतलब आज 4 जनवरी है। और ये देखिए, वीडियो की जो शुरुआत है वो मैं कर रही हूँ, ये हींग की छोटी सी डिब्बी है और इस पर बहुत ही अच्छी सी कटिंग तैयार हो गई है जेड प्लांट की। तो आज ना, आज का जो वीडियो है वो आपको मैं थोड़ा अपडेट दूंगी। और खूब तो बारिश हो रही है हमारे यहाँ, इस समय बारिश बंद है और मैं आज आई हूँ इस समय वीडियो बनाने के लिए। तो धूप का तो कोई नामो निशान है ही नहीं, जैसे कल तो खूब धूप निकली थी, आज बिल्कुल धूप नहीं है, बारिश भी काफ़ी हो रही है। और मेरे देखिए कॉस्मस कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि जितने भी मतलब जो भी कलर थे वो सब तो खिल खिल ही गए, लेकिन ना ये जो आपको देखो बताऊं, ये जैसे बोलते हैं ना कि इनके संग संग का असर हो गया, संगत का असर हो गया। जैसे ये यहाँ पे आप ये देखो, ये वाला कॉस्मस है, ये वाइट है, और ये देखो ये वाला रंग है, और एक कलर और है डार्क वाला, ये देखिए। तो ये कॉस्मस नहीं है, ये है डहेलिया, सिंगल पेटल वाला डहेलिया है। तो ये भी तो खूब खिल ही रहा है। तो ये इन सब के साथ रह रह के इसने भी अपना रंग बदल दिया, मतलब संगत का असर देखिए क्या हो गया, इनके रंग में रंग गया है। कोई बात नहीं, बुरा नहीं लग रहा है, अच्छी संगत में रहें, और अच्छी संगत का असर अच्छा हो तो वो अच्छी बात है ना, बुरी संगत में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि ये देखो, ये वाला भी बहुत बहुत प्यारे प्यारे, मतलब जितने भी डहेलिया मैंने आपको बोला था ना, मुझे सिंगल पेटल वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे वो मल्टी पेटल वाले बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं। वो वैसे बस दूसरों के घर देख लो या गार्डन वार्डन में देख लो, ठीक लगता है, मुझे अपने यहाँ लगाने के लिए नहीं अच्छा लगता। तो चलिए, अब आज आपको मैं थोड़ा अपना गार्डन का अपडेट देती हूँ, अपडेट भी दूंगी और आपको कुछ गार्डनिंग टिप्स भी दे दूंगी। संडे है और इधर इस वीक कम से कम मैंने नहीं तो 15 प्लांट में खाद दिया है, और 3 से 4 प्लांट की पूरी तरह से गमले को मतलब निकाल करके, प्लांट को निकाल करके, और उसमें से वो किया है, मतलब रूट की प्रूनिंग की है। कुछ प्लांट की मैंने प्रूनिंग भी की है स्टेम की। और जैसा कि मैंने जब प्रूनिंग कर रही थी, मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि अडेनियम का प्रूनिंग अभी मत करिएगा, एक बार बरसात होती ही है, और चूंकि इसीलिए मैंने अडेनियम पे भी कोई काम नहीं किया है। तो टिप मैं आपको चाहिए कुछ विंटर की बता देती हूँ। कई मेरे पास एक दो लोगों ने पूछा भी था कि अब धूप तेज हो रही है। हाँ बिल्कुल, जैसे अभी देखो बारिश हो रही है ना, जैसे ही धूप निकलेगी वैसे ही क्या होगा कि धूप तेज हो जाएगी बारिश। तो आप इन प्लांट्स को ऐसी जगह रखो जहाँ की 12-12 बजे तक की तो धूप मिल जाए, उसके बाद आफ्टरनून वाली अगर धूप मिलेगी ना तो वो ठीक नहीं रहेगी। डेड हेडिंग जितने भी आपके विंटर प्लांट हैं उन सब की करते रहिए, नहीं तो इसके अंदर सीड बनना शुरू हो जाएंगे और फिर फूल कम आएंगे। तो ये आप काम करते रहिए, है ना, फर्टिलाइज़र आप जैसे दे रहे हो वैसे देते रहिए। इसके बाद आपको जैसे ये सब प्लांट है, ये क्या होता है, ये कलंचो वलंचो, इनको तो आप बिल्कुल ब्राइट लाइट में रख दीजिए। अगर जो वो वाले हाइब्रिड वाले हैं ना, फूल खिल जाते हैं इनके, तो महीने महीने भर तक फूल खिले रहते हैं ये वाले जो हैं। ये तो मैंने वैसे ही छोड़ दिया था एक जगह, मतलब ऐसे ही फिर ऊपर से मिट्टी इट्टी डाल दी थी बस। ये टूटा हुआ था, इडली वाला कुकर था, तो इसमें भी देखो निकल आया है। ये देखिए गुलाब का वो किया था ना मैंने, अबरा का डाबरा का वो, मतलब इसकी रिपोर्टिंग का वीडियो शेयर किया हुआ है। और ये देखिए इसमें नई पत्ती ये निकल आई है, इसकी ग्रोथ मतलब इसमें स्टार्ट हो गई है। जैसे ही ये फूल फेड होगा वैसे ही इस फूल को मुझे हटाना होगा, नहीं तो मतलब वो नहीं सही है। ये भी ये वाला जो डेजी है ये भी खूब निकल रहा है, बाकी इस पर वीडियो शेयर किया था मैंने, इस पर स्ट्रॉबेरी पे, स्ट्रॉबेरी भी देखिए ये भी लग गई है। बाकी ये देखिए, जैसे मैंने आपको दिखाने के लिए छोड़ दिया है इस गुलदाउदी को, ये जितना भी फेड हो गया है फूल, आप ये सारा कट कर दो, यहाँ से कट कर दीजिए थोड़ा सा, ये सब भी कट करके भी चाहे कटिंग लगाना हो कहीं, इसी में ही गमले में जो जगह खाली है उसी में लगा दीजिए, आपको नए प्लांट मिल जाएंगे। मैंने ये छोड़ा हुआ है, देखिए ये जैसे मेरा पुराना था, पहले इसमें फूल वूल निकल चुका, मैंने यहाँ से सब ये सब देखिए कट कर दिया था। अब आप यहाँ देखो ये नई पत्ती इधर से निकल रही है, सेम चीज़ इधर भी है, ये देखिए। तो आप उसको जो मतलब फेड हो जाए ना, उन्हें आप हटाते रहिए। और अब आइए बात करते हैं प्रूनिंग की। तो भाई प्रूनिंग करिए
अपने प्लांट की सबकी शुरू कर दीजिए। बरसात देखो आज आज है, फिर एक दो दिन जो भी है होनी है, सब चीज़ हम लोग को देखिए गूगल से सब समझ में आ ही जाता है। और प्रूनिंग आप करिए, लेट मत करिए प्रूनिंग करने में। अब अभी तो नहीं, अभी तो इस टाइम पे मैं भी नहीं करूँगी। मुझे भी जैसे आज गुड़हल उड़हल में खाद देना था, करना था, तो मैंने नहीं किया। मैंने आज कौन सा गार्डनिंग वर्क किया वो भी अभी आपको दिखाऊँगी। तो गोरी चोरी में मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी है, अपराजिता में भी कर दिया है। अपराजिता में भी सब नई ग्रोथ आने लगी है, खाद इसमें सब में दे दिया है, इन सब का वीडियो भी शेयर किया है। मोगरा को मैंने पूरा इसका निकाल करके और इसकी प्रूनिंग का पूरा वीडियो, कंप्लीट वीडियो इसकी रूट प्रूनिंग का शेयर किया था। मैंने उस समय बोला था कि जब आप जड़ों की प्रूनिंग करेंगे, रूट बाउंड प्लांट की रूट प्रूनिंग करेंगे, सेम टाइम पर ही इस टाइम की प्रूनिंग मत करिएगा, ठीक है। मैंने नहीं किया था, मैंने पहले कभी किया था, मतलब 2-3 महीने पहले, उस टाइम पे जब नवंबर, अक्टूबर नवंबर में, तो ये तभी का है। और आप ये देखिए प्लांट मेरा बिल्कुल हेल्दी है, ठीक है। अब आपको एक और बात बताना चाहूँगी, जैसे ये देखिए ये मेरा फायर बुश प्लांट है, ठीक। मुझे इसको भी प्रूनिंग करना है, अभी कई प्लांट में मतलब मुझे प्रूनिंग करना है। मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगी ना, अब जैसे नागचंपा में भी करना है, बहुत से प्लांट में है, आप एक मिट्टी तैयार कर लीजिए, मिट्टी में थोड़ा सा कोकोपीट डाल लीजिए, सैंड डाल लीजिए, ठीक है, और गोबर खाद मत डालिएगा। इस तरह से एक अच्छी सी मिट्टी तैयार करके और गमला एक जगह तैयार करके रख लीजिए। अगर आप और प्लांट चाहते हैं तो तुरंत के तुरंत, जैसे मान लो आप प्रून कर रहे हो, ये सब ख़राब हो गई हैं पत्तियाँ फायरबुश, तुरंत के तुरंत जैसे आपने प्रूनिंग किया, आपको कोई प्लांट ऐसी मजबूत दिख रही है, आप मिट्टी में लगा दो, आपको बहुत प्लांट मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा। पता है ये वाला जो गुड़हल की इस टाइम आप देख रहे हैं, ये करीब हो गया है 3 महीने के आसपास हो गया है, मैंने इसी की मिट्टी में लगा दिया था। पर ये कोई तरीका सही नहीं होता है कि कहीं भी किसी भी मिट्टी में खोज दिया, आप अलग से एक तैयार कर लीजिए। और क्योंकि जब हम होता क्या है ना, जब हम मिट्टी तैयार करके अलग से ठीक से उस समय तैयार रहती है लगाते हैं तो सही रहता है, नहीं तो क्या होता है कटिंग कई बार वेस्ट चली जाती है, अच्छी अच्छी कटिंग हमारी निकलती है या हम कहीं से ले के आते हैं और हमारे पास घर में तैयारी नहीं रहती ना कि उसको किस में लगाएं क्या करें। और रूटिंग हार्मोन तो मैं कभी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, आप बोलना तो मैं बता दूंगी कि मैं रूटिंग हार्मोन की जगह क्या यूज़ करती हूँ, फिर उस पर अलग ही आपको वीडियो फिर मुझे बनाना होगा। तो इस तरह से इस पे तो बहुत समय से मैं सोच रही थी कि वीडियो बनाऊँ, इसके एक एक महीने तक ऐसे ही फूल रहते हैं ये, तो इसका नंबर ही नहीं आ पा रहा है। श्रृंगार भी देखिए, मैंने इस पे भी खाद दिया था, अब धीरे धीरे प्रून पहले ही कर दिया था, ये देखिए तो ये भी ठीक हो जाएगा अभी, मतलब अब होगा। फरवरी तो अभी 4 तारीख तो फरवरी की सिर्फ हुई है, और उस पर से भी मौसम इतना ठंडा है, तो इतनी कोई बात नहीं है, आराम से अभी हमारा मार्च तक ये सब चीज़ें चलती ही रहेंगी। सीड डेड आपको अगर सब्जियों के फल फूलों वूलों के लगाने हो ना, तो बिल्कुल अभी लगा लीजिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कौन से फूल वूल के लग सकते हैं अभी, तो फिर बताइएगा मुझे कमेंट में कि, तो फिर मैं वीडियो बना दूँगी। ये अमरूद का है, ये सर्दियों की वजह से इसकी जो पत्तियाँ हैं ना एकदम लाल हो रखी हैं, प्लांट मेरा इसमें वो लाल वाले अंदर से जो लाल होता है ना अमरूद, बहुत मीठा होता है वो वाला आता है इसमें, तो इसकी तैयारी मैंने कर ली है। चलो तो आपको टमाटर भी दिखा दूँ, ये देखिए कितना मतलब बम्पर में बिल्कुल इतना टमाटर मुझे मिला है ना, और अब देखिए साइज़ भी देखिए कितना अच्छा हो गया है। तो ये सारा कमाल गार्डन के कचरे का है, कोई खाद आपको लगता है क्या कि मैं इसमें कोई खाद भी देती हूँगी, नहीं देती हूँ, कोई खाद नहीं देती हूँ। तो चलो भाई इसका बताती हूँ, इसका इंतज़ाम हो गया है, बस अब इसका नंबर आने वाला है। देखिए अभी शायद मुझे लगता है कि 10 दिन हो रहे होंगे, 10 या 15 दिन मैंने वीडियो बनाया था, और मैंने आपसे बोला था मार्च में इसमें मैं अमरूद शिफ्ट करूँगी, ठीक है ना। धीरे धीरे इसमें सारा जो किचन वेस्ट था वो नीचे पहुँच चुका है, आप एकदम साफ देखो, कहीं आपको कोई कीड़ा नहीं नज़र आ रहा है। मैं धीरे धीरे कोशिश करती हूँ दबा दूँ इसको, ठीक, इसमें सब वही सब भरा है। ये देखो दूसरा भी ये तैयार हो रहा है, इसमें भी घर नीचे से वो मतलब ला करके मैंने वो किचन वेस्ट, ये छिलके इलके हैं इसमें, ये देखिए मटर के छिलके हैं सब्जियों वब्जियों के, तो ये देखिए। तो और जो अब छत की, कल तो भैया मैंने इतनी देर तक सफाई करी है, ये भगवान अच्छा हुआ मैंने कल कर लिया सफाई, नहीं तो यहाँ तो आपने कल का वीडियो देखा होगा, कल यहाँ खूब मैंने
वही सब गोरी चोरी ओरी का सब प्लांट फैला हुआ था, खूब मिट्टी फैली थी, तो सफाई फाई करके ये सब इसी में डाला है। मेरा ये तैयार हो गया है। इसमें इसमें जो ये आप देख रहे हो ना, ये देखिए एकदम फटा यूज़ एंड थ्रो वाला हिसाब किताब हो गया। बस अब इसको फेंकना था मुझे, आपको दिखाने के लिए मैंने सिर्फ इसको रखा हुआ था, इसमें भर के रखा हुआ था मैंने यही सब चीज़ें। तो वो 2-3 महीने हो गया है, वही मैंने उसमें डाला है। बाकी और मिट्टी तैयार करूँगी और डाल दूँगी। ये देखो सारा ग्रो बैग मेरा इसी तरीके से भर रहा है। तो मेरा जो ये नींबू वाला है ना, ये नींबू वाला ग्रो बैग, उसमें भी मतलब यही सब भरा। और आप नींबू में अब फूल देखिए, फूल ही फूल नहीं है, इतनी बारिश हुई है। तो ऐसा नहीं है कि सारा मतलब कोई झड़ गया हो सारा फूल बारिश में, भाई कुछ तो झड़ेगा ही। इतना इतने अगर नींबू हो गए तब तो फिर प्लांट की क्या ही हालत होगी। तो प्लांट आप देखो कितना अच्छे से हेल्दी कितना है। तो जिसने इसका वीडियो नहीं, जिन लोगों ने देखा, मैं लिंक दे दूंगी, आप देखना और देख लीजिएगा। तो ये अब मैं अलग से मिट्टी थोड़ी और तैयार करके और उसको लगा दूँ, क्योंकि उस बोरी में भी तो जिस अमरूद के पास खुद की भी तो कोई मिट्टी होगी कि ऐसे ही चलाएगा यहाँ खाली आते हैं ना, वो खुद भी तो कुछ यहाँ लेके आएगा ना। तो चलिए अब आपको रजनीगंधा भी दिखा देती हूँ। रजनीगंधा का वीडियो भी परसों ही शेयर किया है। ये सब देखिए, ये सब मतलब यहीं पर रखे हैं। बाकी अभी और बल्ब हैं, ये सब इधर लगा दिए हैं। अभी देखना 15-20 दिन के अंदर अंदर ये पूरा पत्तियों से बिल्कुल भर जाएगा और उसके बाद आपको जल्दी ही इसमें फूल मिलेंगे। लोटस मैंने रिपोर्ट किया था, इसका वीडियो शेयर किया था। ये देखिए अपडेट, ये देख रहे हैं, ये अपडेट है, इसकी पत्तियाँ निकल आई। बड़ी खुशी होती है मुझे इसको देख के, सबसे ज़्यादा होती है। अभी वहाँ उस वाले में नहीं दिख रही है मुझे, इसी में दिखी सिर्फ मुझे। क्या होता है ना, नाग चंपा है। गुड़हल का तो अभी कोई काम ही नहीं किया है मैंने, कुछ भी नहीं किया। सोचा था गुड़हल पे करूँगी तो बारिश इतनी हो गई, गुड़हल पे तो ज़रूरी है भाई देना। गुड़हल को जो ये टेम्परेचर अब आने वाला टेम्परेचर है ना, देसी गुड़हल को यही पसंद होता है। ये आपको मैं पता है क्यों दिखा रही हूँ, ये छोटे छोटे से जो प्लांट है ना, ये मैंने सीड से तैयार किए थे, करी पत्ता के। ये तीनों सीड से वाले हैं, इनमें भी अब खाद देना, ये तो बड़ा है तो फिलहाल अभी नहीं होगा, सीड से बरसात में होगा। बोगनविलिया में मैंने खाद देने का वीडियो शेयर किया है, आपको देखना हो तो फिर कहिएगा, उसमें लिंक दे दूंगी। वैसे मेरे चैनल पे आप देखोगे तो अभी शुरू ही है, तो ये सब मैं दे दिया है। अभी और भी हैं, देने तो हैं, इतने कहाँ हैं, अभी और भी हैं। और क्रॉसेंट्रा है, ये देखिए कितना सुंदर सा प्लांट हो रहा है। इसको मैं अभी ऊपर लेके आई हूँ, ये नीचे वहाँ पे रखा था मतलब बालकनी में, उधर धूप नहीं आती है, तो लेके आई हूँ। इसको भी थोड़ा खाद वाद दूंगी। प्लांट तो बहुत बहुत सुंदर प्लांट रहता है ये वाला। और ये देखिए चिया सीड, मैं आपको हर उसमें अपडेट वाले में दिखाती हूँ, चिया सीड के सैपलिंग्स तैयार हो गए हैं। प्रूनिंग अभी मुझे बहुत से प्लांट में करना है। देखो जैसे ये श्रीलंकन टगर है, ये भी नीचे से लेके आई हूँ, इसको भी अच्छे से तैयार करना है, खाद वाद देना है, और में भी देना है। अब आपको दिखाती हूँ ये वो प्लांट जो आप लोगों ने भी देखा है, अभी करीब 5 दिन या 6 दिन हो रहा होगा, 1 वीक के आसपास हो रहा होगा, रिपोर्ट किया है सॉयलेस मीडिया में रिपोर्ट किया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लग गया है, क्योंकि जो वो वाला प्लांट था ना, वो तो रोज़ एक एक करके मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या ही हो रहा है, ख़त्म हो रही थी एक एक स्टेम। चलो भाई इसका भी लिंक दे दूंगी, कितने सारे इधर भी बहुत सारे काम करे हैं। अब आज दिखाती हूँ क्या किया है। आज मैंने इस अरेका पाम को रिपोर्ट किया है, मतलब इसको प्रोपोगेट किया है, इसकी मिट्टी विट्टी सब चेंज की है। तो अभी तो ये ऊपर यहीं किया है क्योंकि बारिश बाहर हो रही थी, मुझे लगा अब गुड़हल उड़हल हो नहीं पाएगा, चलो आज इसको करते हैं। और इसको अब नीचे मुझे ले जाना है, वहीं पर इसमें पानी देना है, उसकी पत्तियों को थोड़ा साफ अप करना है। इसका वीडियो मैं शेयर करूंगी क्योंकि बनाया है, इसका वीडियो बना, अगर देखना हो देख लीजिएगा, बनाऊंगी। तो चैनल को ना सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं वीडियो शेयर करूंगी। तो भाई अब बस, बहुत लंबा वीडियो मुझे लग रहा हो गया है, और ठीक है, थैंक यू। कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग क्या और देखना चाहते हैं, किन टॉपिक पर, तो मैं उस पर शेयर कर दूँगी। चलते चलते ये भी आपको दिखा दूं, ये देखो बैग में ये कटिंग से तैयार किया हुआ मेरा, ये कटिंग से नहीं था, ये था सीड से,
ये गोरी छोरी का प्लांट ना सीड से तैयार था मेरा, तो बीज से भी लग जाता है ये, वो है बस। अब इसमें मुझे, मैंने खाद दिया नहीं है, इसमें मुझे देना था। ठीक है, धन्यवाद।